हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज मैंने ऑर्डर करा है ईट फिट से इनकी दो चीज़ें और मैं फर्स्ट टाइम ये ब्रांड चेकआउट करने वाला हूँ, तो आपके साथ एकदम ओरिजिनल रिव्यू शेयर करूँगा जैसा मुझे फील होगा। तो चलिए ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या ऑर्डर करा है मैंने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल। चलिए अब ओपन करते हैं इसको। दो बॉक्सेस आ चुके हैं जैसे आप देख रहे हो। एक के अंदर है हमारा कॉर्न पिज्ज़ा और इसके अंदर है गार्लिक ब्रेड पनीर वाली। जो पैकेजिंग है वो मुझे सही लगी, टेपिंग वगैरह बढ़िया थी सारी। तो पहले ये गार्लिक ब्रेड को ओपन करता हूँ एक बार। इसका प्राइसिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव लगा मुझे, तो जो वेबसाइट के ऊपर मेंशन था, मतलब ऐप के ऊपर, पर मेरे को ऑफ़र में मिला है तो मैंने ऑर्डर किया है। ये देखो, ये उस प्राइस के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं लग रही। अब बाकी खाएंगे तो चेक करेंगे। कुलचे के अंदर ही लग रहा है मेरे को कुछ। अभी इसको मैं चेकआउट करता हूँ पूरा, फिर बताऊँगा आप। गार्लिक ब्रेड ने इतना कुछ सेटिस्फाई तो किया नहीं है। अब बारी है ये पिज्ज़ा वाले बॉक्स को ओपन करने की, देखते हैं ये कुछ कमाल कर पाएगा या ये भी ऐसे खुश हो जाएगा। जा देखते हैं, ये भी ऐसे ही लग रहा है, पर देखते हैं खा के क्या होता है, कमाल कुछ होगा या नहीं है। बाकी आप मुझे बताना, आप लोगों ने अगर ईट फिट से कुछ चेकआउट कर रखा है तो आपको कैसा लगा इनका टेस्ट। मुझे तो जोमेटो पे इनकी रेटिंग 4.0 दिखी है तो मैंने ऑर्डर करा है, पर ये तो कुलचा है, ये इट्स नॉट अ गार्लिक ब्रेड मेरे ख्याल से। और ये भी बेस ब्राउन है, तो चेक करते हैं टेस्ट कैसा आ गया था। वो तो स्पाइसी है काफ़ी। और ये मैंने एकदम मिडल वाला पीस उठाया गार्लिक ब्रेड का, देखते हैं इसकी बाइट लेके। ये गार्लिक ब्रेड का फ्लेवर है इसमें, पर इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ गार्लिक ब्रेड, ये लग रहा है जो कुलचा आता है हमारा पनीर वाला। और ये काफ़ी मसालेदार है, स्पाइसी है, मतलब अच्छा लगा मेरे को। मिडल वाला पीस उठाया था मैंने, ये इस कॉर्नर में तो कुछ नहीं है ज़्यादा। अभी पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा ओरिगैनो डाल लेता हूँ, फिर इसका भी टेस्टिंग करते हैं। उससे गार्लिक ब्रेड जितनी बेकार लग रही थी उतनी निकली नहीं है। तो अब इसका एक बाइट निकालता हूँ, मतलब पीस। देखो कटिंग नहीं हो रखी क्या ढंग से, या ये बेस हेल्दी है तो इसलिए ऐसा आ रहा है कुछ। मैं थोड़ी सी केचप लगाता हूँ और फिर चेकआउट करते हैं। पिज़्ज़ा भी मैंने ट्राई आउट कर लिया है, मतलब इसका जो बेस है ना वो फ्रेश तो नहीं है, रेडीमेड बेस है। आई थिंक क्या वही है ये। टेस्ट वाइज दूंगा इसको 10 में से 7 की रेटिंग, खा सकते हो। पर ये कितना हेल्दी है ये मुझे नहीं मालूम। इसकी बात करें 239 रुपीज़ मैक्सिमम प्राइस मेंशन था इसका MRP, मुझे 160 में मिली है। इसका 289 मेंशन था, ये मुझे मिला है 159 का ऑफ़र था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर कराया आज ईट फिट से, तो मैं कहूँगा एक्सपीरियंस मेरा न्यूट्रल था, अब आप एवरेज बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं अच्छा लगा। बस अब पता नहीं हेल्दी है होगा, वैसे नाम है तो कंपनी का। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और मुझे बताना आपने अगर ट्राई आउट करा है तो कैसा लगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी देना कमेंट्स में, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। बाय बाय, थैंक यू।